तो आज का वीडियो शुरू करते हैं टॉपिक पार्ट टू से, क्वेश्चन नंबर थ्री से। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड ना करें। प्लीज़ मुझे हेल्प करें चैनल ग्रो करने में, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं। मुझे हेल्प मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को और हेल्प कर सकूंगा। इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों की बहुत बहुत मदद चाहिए। सो प्लीज़ इसको ऑनलाइन देखिए, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपका मन करता है तो, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को बताइए, दबाइए ज़रूर, क्योंकि अब मैं वीडियोस रेगुलर आएंगे आपके लिए और इससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आप उसे देख पाएंगे, ठीक है? तो प्लीज़ 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 ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड मत करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है एड अ टाइम सिग्नेचर टू ईच बार दैट इज मार्क्ड विद एन आर्टिस्टिक, द फर्स्ट फोर हैव बीन डन फॉर यू। सो पहले चार उन्होंने हमें करके दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए तो पहले चार देख सकते हैं आप, उन्होंने हमें करके दिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, हमें जहाँ पे भी ये मार्क दिया है उसके नीचे हमें टाइम सिग्नेचर लिखना है देखकर। तो स्टार्ट करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है क्रॉचेट बीट। सो ये हो गया एक क्रॉचेट बीट, दो, तीन और चार। सो इनका टाइम सिग्नेचर हमारा आएगा 4:04, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला टाइम यहाँ पे है एक क्रॉचेट बीट, दो क्रॉचेट बीट और तीन क्रॉचेट बीट। सो इसका टाइम सिग्नेचर आएगा हमारा सिंपल 3:04। अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही बीट है, मिनिम बीट। सो मिनिम बीट में हमारे होगा दो क्रॉचेट बीट इंक्लूड, ठीक है? सो दो क्रॉचेट बीट मिलके हमारा बनाता है एक मिनिम बीट। सो हम 1/4 या 1/2 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम इसको लिखेंगे 2/4, मतलब कि एक बार में दो क्रॉचेट बीट। सो जिसकी इक्वल वैल्यू होती है एक मिनिम के बराबर, ठीक है? अगला चलते हैं, देखिए 1, 2 और 3 क्रॉचेट बीट हमारे पास यहाँ पर है, तो ये भी सिंपल है 3/4 का टाइम सिग्नेचर। अगला देखिए 1 क्रॉचेट बीट 2 क्रॉचेट बीट, ये हमारे 8th नोट। सो ये हाफ क्रॉचेट और हाफ क्रॉचेट मिला के हो गया 1 क्रॉचेट। सो ये हो गया हमारा 1, 2 और 3 क्रॉचेट बीट, ठीक है? सो ये अच्छा, ये टाइम सिग्नेचर वही है, सॉरी मैं देखा नहीं कि वहां पर कोई स्टार नहीं डालना है। आगे बढ़ते हैं, 1 1 और 2 क्रॉचेट बीट, तो ये हो गया हमारा 2/4। अगला देखिए 1 क्रॉचेट बीट, ओके। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारे 4 8th नोट। 8th नोट का मतलब दोस्तों क्वेवर हो गया आपकी उस भाषा में। सो मैं आपको और डिटेल करके बता रहा हूं ताकि आप और बेटर समझ सकें। तो ये दो हाफ मिलके आपका एक क्रॉचेट बीट बन गया, तो दूसरा हो गया ये मिलके एक की हो गया। सो आपके पास 1, 2 और 3 क्रॉचेट बीट हो गए। सो टाइम सिग्नेचर आएगा आपका 3/4, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक कोएवर्व है और ये एक क्रॉचेट बीट है। सो इन टोटल मिला के आपके पास 1.5 क्रॉचेट बीट हो गया। सो 1.5 क्रॉचेट बीट का कोई टाइम सिग्नेचर नहीं होता है। सो हम इसको डिवाइड करते हैं, तीन इस एक क्रॉचेट को डिवाइड करते हैं हम दो कोएवर्व में। सो अब हमारे पास कितने कोएवर्व हो गए, 1, 2 और 3, तो मतलब कि 3 कोएवर्व नोड वैल्यू हो गया 8 आपका। सो 3/8 आपका टाइम सिग्नेचर हो गया, ठीक है? अगला चलते हैं, देखिए ये आपका आ गया एक कोएवर्व रेस्ट, ये आपका आ गया एक क्रॉचेट, दो क्रॉचेट। सो 2.5 क्रॉचेट का कोई टाइम सिग्नेचर नहीं होता है। सो फिर से डिवाइड करते हैं, इसे एक क्रॉचेट को हमने डिवाइड किया दो कोएवर्व में, फिर इसको डिवाइड किया दो कोएवर्व में, और यहाँ पर हमारा आ गया 1, 2, 3, 4, 5 कोएवर्व आ गए। सो मतलब कि ऊपर का आ गया आपका 5 और नीचे का आ गया आपका 8, 5 8 टाइम सिग्नेचर, ठीक है? दोस्तों ये बुक में मेरे ये दिया तो है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया। सो आई डोंट नो कि मेरी बुक ठीक है कि गलत है। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें इसके आगे दिया हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
तो अगर मुझे इसके अलावा इस वजह से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं स्टार्टिंग में अब नकली उस पर। सो देखिए, 1 क्रॉचेट बीट, 2 क्रॉचेट बीट, तो ये हमारा हो गया 2 8, ठीक है। अगला आई थिंक ये सेम है जैसे ऊपर दिया गया है, पता नहीं ये मिस प्रिंट है या क्या है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेम है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जो भी होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, देखिए ये आ गया 1 हाफ नोट, मतलब 1 क्वेवर, ये आ गया 1 क्रॉचेट और 1 क्वेवर, ये डॉट हो गया आधा क्वेवर और ये 1 क्वेवर। सो हमारे पास हो गए 2 क्वेवर मिला के बना 1 क्रॉचेट बीट, ये मिला 1 और ये 1 हमारे पास है, सो हो गया 3 क्रॉचेट बीट, सो हो गया 3 4 टाइम सिग्नेचर। यहाँ पर ये देखिए 1 क्वेवर, 1 क्वेवर रेस्ट और 1 क्रॉचेट बीट, ठीक। सो ये 2 मिला के हो गया 1 क्रॉचेट बीट, सो हमारा आ गया टाइम सिग्नेचर 2 4 का, ठीक। अब देखिए ये है एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की वैल्यू है क्रॉचेट बीट की, मतलब 1 बीट की, फिर बस 1 क्रॉचेट बीट ये रहा, और ये 3 मिला के हमारा हो गया 1 क्रॉचेट बीट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 8th नोट और ये है हमारा 16th नोट। सो इन 2 को मिला के इसको और इसको मिला के हमारा 1 हाफ नोट बनता है, और ये हाफ नोट और ये हाफ नोट मिलाकर आपका ये एक प्रॉपर क्रॉचेट बना। फिर से ये ट्रिपलेट है, सो इस ट्रिपलेट का वैल्यू है आपका हाफ नोट का, और ये 2 हाफ मिलके आपका बना 1 क्रॉचेट बीट। सो आपके पास इन टोटल है 1 2 3 और 4 क्रॉचेट बीट, सो इसका वैल्यू है 4 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये आ गया हमारा मेन बीट 1 है और 2 है और है मिनिमम डॉटेड, दैट मीन्स 3 क्रॉचेट नॉट 8 में, तो ये हमारा है 6 4 का, 6 4, ठीक है। ये पूरा टाइम सिग्नेचर वही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखें तो अच्छा, चलिए ये आ गया 1 क्रॉचेट बीट, ये 1 क्रॉचेट रेस्ट, सिंपल 2 क्रॉचेट बीट 4, ये 1 क्रॉचेट बीट, 1 क्रॉचेट बीट, 1 क्रॉचेट रेस्ट और ये 8th नोट, सो 2.5 का कुछ नहीं होता है, सो ये इक्वल हो गया, सो हमारे आगे 5 8th नोट, सो 5 8, ठीक। ये फिर से 1 दिया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक जरूर है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं इसमें एक रेस्ट लगा देता हूँ, तो ये होना चाहिए हमारा 2 8 का। अगर यहाँ कोई मिसिंग है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इस चीज को। अब ये देखिए ये है हमारे पास 1 मिनिम और 1 डॉटेड, सो एक्चुअली हमारे पास आ गए 3 क्रॉचेट बीट, ओके, सो 3 क्रॉचेट बीट आ गए हमारे पास, सो इसका होगा हमारा सिंपल 3 4, ठीक है। 1 2, तो 2 क्रॉचेट बीट की वैल्यू आ गई 4। आगे चलते हैं, अगला है 1 क्रॉचेट बीट, ये मिला के हुआ, दोनों को मिला के हुआ 1 क्रॉचेट बीट, इन 2 को मिला के हुआ 1 क्रॉचेट बीट। सेम चीज है, बट अभी हम देखेंगे तो ये दोनों टाई हैं, तो इनके बीच में एक गैप है, जो ग्रुपिंग इनकी दी हुई है, ये देखिए ये बीच बीच में 1 2 3 1 2 3 करके दी है, सो ये हमारा है 6 8 का, ओके, 6 8 का, ये 3 4 का नहीं है, 6 8 का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए ये दिया गया है हमें, ये फिर से हमारा 3 8, सो क्योंकि ये 1 हाफ नोट, ये 1 हाफ नोट, ये 1 हाफ नोट, ये 1 हाफ, फिर से 1 हाफ, फिर से 1 हाफ, सो एक बार में 3 हाफ नोट है, सो 3 और 8,
सो ये देखिएगा, ये 3 8 है, ये 6 8 है, याद रखिएगा। ये 3 4 से, इस वाले को आप 3 4 से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? 3 6 8 है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये है हमारा होल नोट और ये है हाफ नोट। सो 6 नोट, 6 क्रॉचेट बीट हमारे एक उसमें है। सो 6 क्रॉचेट बीट को हम डिवाइड करें तो 3 4 आपका आना चाहिए, 3 2। सो ये हमारा आएगा, और ग्रुपिंग में। सो आपको इसको 3 2 कर सकते हैं, 3 2 मतलब 3 मिनिम बिट एक उसके अंदर, ठीक है? अगला चलते हैं। तो देखिए, ये एक हाफ बीट आ गया, ये एक हाफ बीट हो गया ट्रिपलेट का हाफ बीट, फिर ये एक हाफ, ये एक हाफ, 8 नोट, ये भी 8 नोट, ये भी 8 नोट। सो ये हो गए 6। सो आपका आ गया, इनका डिवीजन भी वैसे दिया गया है मेन बीट में। सो ये आपका फिर से आ गया 6 8। ये देखिए, इनका यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, सो इसलिए ये 6 8 का आएगा टाइम सिग्नेचर, ठीक है? तो दोस्तों, अपना ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।